पहला आउटिंग है। हम अभी आ चुके हैं अंडर के साथ, देखो कितना सुंदर। एवरीवन नमस्ते, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक और नए दिन की शुरुआत में। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, प्यार से होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में। हम भी हैं बहुत अच्छे। और आज है फ्राइडे, तभी सुबह सुबह उठते ही थोड़ा सा सोचे, पानी वानी पीते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं और फिर साथ मिलकर एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। ये रहा मेरा टू डू लिस्ट, जो जो हमको करना रहता है सब कुछ यहाँ लगाते हैं। सुंदर लग रहा है ना वैसे। हाँ, तो आज के मेरे लंच का प्लान है व्हाइट सॉस पास्ता बनाने का, जिसमें कि नहाने से पहले हम पास्ता को बॉईल करके चले गए थे एंड अभी कढ़ाई को चढ़ा दिए। सोच रहे अभी कुछ खा के चल जाते हैं क्योंकि भूख लग जाता है यार क्लास में। तो अभी ऑमलेट बना रहे क्योंकि ब्रेड वगैरह कुछ नहीं है, प्याज खत्म हो गया, टमाटर खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। सोचे थे ना कि आटा या सूजी का चीले बना लेंगे, बट अभी कुछ बना नहीं सकते क्योंकि कुछ है ही नहीं। तो चलो ऑमलेट बनाते हैं, उसके साथ उसके बाद हम लोग अपना लंच बनाएंगे और फिर लंच रेडी करेंगे। बैग इधर हम रेडी कर चुके हैं, अभी हमको भी रेडी होना है। हम भी रेडी हुए ना, बस ड्रेस वगैरह पहन के आ गए। नाश्ता करते करते लंच का तैयारी कर रहे हैं। हड़बड़ में ऐसा हुआ ना कि सोचे तो शिमला मिर्च है, चलो उसी को फ्राई कर लेंगे, बट उसको भी फ्राई करना भूल गए। तो क्या किया ना, व्हाइट सॉस पास्ता में एकदम महीन तरह का शिमला मिर्च कट किया और ऐड कर दिया। पकना हुआ पकेगा ना तो कच्चा खा जाऊंगा। सनस्क्रीन इज इम्पोर्टेंट। चलो मेरा लंच वगैरह तो रेडी हो गया, अब बारी आता है हमको रेडी होने का, जो कि फटाफट से रेडी हो जाते हैं। और आज वैसे फ्राइडे है ना, तो आज का प्लान है हमारा, मतलब मेरे और मेरे सारे फ्रेंड्स लोगों का, तो आज हम लोग शॉपिंग पे जाएं। तो आज का ब्लॉग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पूरे ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा। अम्ब्रेला हाथ में लेके आए थे कि धूप होगा तो अम्ब्रेला ओपन कर लेंगे, लेकिन कोई काम ही नहीं आया, तो चलो हाथ में लेके चल रहे हैं। कॉलेज पहुंचने लगे तो अभी सर का ग्रुप में मैसेज आया, बस में ही थे उस टाइम, तो मैसेज आया कि क्लासेस वगैरह का, तो कोई सियोरिटी नहीं कि क्लासेस वगैरह होगा कि नहीं, क्योंकि 10:10 से क्लासेस स्टार्ट होना था। बट सर ग्रुप में मैसेज किए कि 9:30 बजे हम लोगों को एकदम हॉल में आना है, तो चलो अभी चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। आज फ्राइडे है, बस सेमिनार ना हो जाए यार, मतलब क्या बोले हम। तानिया लोग पहुंच गए हैं, कॉल की कि अभी तक तो कोई गए नहीं है, बट सबको आओ साथ में चलेंगे। अभी वहाँ सर हॉल में बुलाए, चलो। तो गाइस हम लोग यहाँ आने के बाद, क्लास आने के बाद वापस से जा रहे हैं, और देखते हैं मेरा फोन में एकदम ही चार्ज नहीं है, चाहे पावर बैंक को साथ में लेके जाना पड़ा। सोच रहे थे क्लास में बैठ के चार्ज कर लेंगे, पर क्लास में रहेंगे, चलो वापस आगे करेंगे और देखते हैं आज क्या हो रहा है उधर। क्लास के बारे में पता तो नहीं है कि होगा कि नहीं, लेकिन अभी सर हॉल में बुलाए हैं। और ये खत्म हो गया, बस 2 पीस बचा हुआ है। फर्स्ट क्लास का तो चांसेस नहीं लग रहा है क्योंकि 10:40 हो चुका है, सेकंड क्लास का हम लोग वेट कर रहे हैं, तो चलो देखते हैं कितने देर में होते हैं। फर्स्ट क्लास ना अकाउंट्स का था, हम बैठ के जो कल नोट्स बना रहे थे, तो सोच रहे हैं क्या कि फ्री टाइम में बैठे हैं तो उसी को कम्प्लीट कर दिए। बैठे बैठे ओरियो बिस्किट ही खा लेते, उसके बाद फिर पढ़ाई, क्या पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। कल येलो लाइट में नोट्स बनाए, देखते हो कितना ज्यादा बड़ा बड़ा राइटिंग लिखे हैं, और मतलब थोड़ा थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा चला गया। पता चल रहा है फिलहाल का क्लास कैंसिल हो चुका है, तो हम सोच रहे हैं क्या अपना अकाउंट्स का नोट्स ही कम्प्लीट करते हैं। भाई कैंटीन आने के बाद ना हम लोगों को चेयर करते, देखते चेयर ही नहीं मिलता। ये वाला हम भी पूछ गए थे, उधर ही होगा खाली।
तो पूरा कैंटीन भरा हुआ है, एक चेयर खाली नहीं है, क्या बोले बस मैथ्स में और किसी में नहीं। सो गाइस फाइनली वी गॉट द सीट और हम लोगों को एक ही जगह पे सीट मिल गया। और मौसम पता है बाहर का इतना बढ़िया हो रहा है ना, जस्ट लुक एट दिस यार, बारिश हो रहा है। हटो हटो, ये इज्जत ही नहीं है बताओ। मैंने सुन लिया प्यार का, तेरे बिन अपने हिस्से से मेरे लिए इतना सा बचाई, हम बहुत खुश हुए। थैंक यू। चीनी देखते हैं, मेरे को भी दोनों जरा सा देखो, उसके कॉफी के लिए चीनी मिला था। मेरे में मत डालो, मेरे उसके उसमें 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 दे दो बदले, थोड़ा नमक है, नमक चाहिए किसी को। चलो चीयर्स करते हैं। चीयर्स। आज पता है हम लोगों का कोई भी प्लान नहीं था, हम लोगों का ड्रेस का कलर देख रहे मैच मैच कर रहा है, मतलब एकदम ही मैच नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी पिंक रेड सबका सेट मैच कर रहा है। सब प्रोग्राम स्टार्ट होता है, फिलहाल तो हम लोगों का क्लासेस है इसलिए इधर घूम रहे हैं, एक घंटे का ब्रेक, उसके बाद वापस से क्लास। महाल्या का फंक्शन होता है तो वो इसी जगह पे आई थिंक होता है। लेट सी महाल्या का क्या करना है, मेरे पास तो कोई साड़ी भी नहीं है, मम्मी का साड़ी वगैरह लेके नहीं आए हैं। वो दो बिछड़ी बहने मिल रही है गाइज, कभी गम आज मेरा राइटिंग थोड़ा सा बेटर है, मतलब थोड़ा सा। आज का सारा क्लासेस हुआ डन। अभी हम लोगों का एक तरह से कह सकते हो पहला आउटिंग है हम लोग का कोलकाता में रह के, तो अभी हम लोग आ गए हैं एक्सिस मॉल। वैसे तो आने वाला बारिश भी था, लेकिन ना उसका अचानक से क्या हुआ ना, हेलमेट को रखा उसमें पानी भर गया, और उसका सर इतना भींग गया कि वो आया नहीं, तो उसका अचानक से कैंसिल हो गया। तो चलिए हम लोग चलते हैं, और कल का भी हमारा कुछ प्लान है वो आप लोगों के साथ कल शेयर करेंगे। फिलहाल ना कुछ शॉपिंग वगैरह करने का है, और थोड़ा इयररिंग वगैरह लेना है हम लोगों को। अरे हमारा फुटवेयर का शॉपिंग हो गया, दिखा तुम अपना। ये हैंडल सही है यार, उस दिन भी हम ये वाला ले रहे थे, बट उस दिन छोड़ दिया, मेरा साइज ही खत्म हो गया, 39 साइज मिला, पता है 38 लेना था, 39 मिला। दीपिका का शॉपिंग तो उधर ही हो गया था, हमारा इधर हो रहा है फुटवेयर का। टॉप्स वगैरह देखे बट उतना समझ में नहीं आया कुछ, लग तो वैसा ही रहा, देखो ना यहाँ लिखा है तो थोड़ा लगा लेती हूँ। ये हाइलाइटर है। चमक रहे हैं गाइस, पता नहीं चल रहा है, वैसे चमक रहे हैं। हाँ थोड़ा थोड़ा हुआ, मुझे ब्लैक कलर का काजल ले लेते हैं, बट मिला ही नहीं, ब्लैक आईलाइनर है तो वो तो है। हम अभी आ चुके हैं अंडर फ्लाईओवर, एक्सिस मॉल के पास है, इसी में लगता है वो एग्जीबिशन, जो हम हैंडमेड इयरिंग वगैरह लिए थे ना, ये जो चूड़ी लिए थे तो ये, तो यही चलो देखते हैं और क्या क्या चूड़ी मिलता है, और आपको इयरिंग भी लेने का है तो वो लेते हैं। एक साथ देखो कितना सुंदर सबको इयरिंग पसंद आया, एक ये भी आ रहा है, एक ये भी आ रहा है, ये बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा है, कौन सा लूँ, दोनों पहन के देखते हैं क्या। भागलपुर से आने के बाद पहली बार हम गुपचुप खा रहे गाइस, कितना दिन के बाद गुपचुप खाए, मजा आ गया।
चलो अभी हुआ ही होता कि हम लोग ना लौटने वाले थे घर, लेकिन ना मतलब तो स्पेंसर से कुछ कुछ चीजें लेना था, फिर वापस हम लोग मॉल आए, तो अभी चलिए जाते हैं और देखते हैं क्या क्या मिलता है। जाए थे एक से दो चीज लेने के लिए और देखते हो पूरा बास्केट भर चुके हैं। सारा चीज मेरा नहीं है, बस कुछ सामान तानिया का भी है। चलो अभी जाते हैं बिलिंग काउंटर पे बिल करवाते। सोचे थे सैटरडे संडे को जो भी मार्केटिंग का काम होगा वो कर पाएंगे, कहाँ रुक गई, तो धीरे धीरे आ रही है। सोचे थे सैटरडे संडे को करेंगे, बट आज ही कर लिए। ज्यादा कुछ तो नहीं किया, मतलब सब्जी वगैरह जो लेना है वो सब तो नहीं लिए, वो सब लेंगे आराम से। आज का हमारा शॉपिंग हुआ डन, आए थे कुछ कुछ चीजें लेने के लिए और हम लोगों का बहुत ज्यादा खर्चा हो चुका है हम लोगों सबका। और अभी जा रही है तानिया अपने घर, उसका अभी तक वो मोटो बुक किया और वो नहीं आ रहा, हम ही लोग को चला रहा था, हम लोग इधर रोड पे जा रहे हैं। बाय तानिया, बाय। हाँ भूख लगेगा तो खा लीजिएगा, टेंशन नहीं है। बोल रहे भाई अभी धूप नहीं है तो नहीं नहीं सही है, लगा लो। चलो बाय, अब मिलते हैं मंडे को। आज हम क्या क्या लिए हैं वो दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये साबुन लिए हैं क्योंकि खत्म हो गया था डिस्पार, और उसके साथ ही में लिया ये ओरियो वाला 5 स्टार, मेरा बड़ा ही मन कर रहा था, लेमन वाला बिस्किट, और उसके साथ हम चस्का मस्का सोचे थे बाद में लेंगे, भूल गए। उसके साथ ही लिए केक, एंड ये लिए हैं मैगी का बड़ा सा पैकेट, ये इमरजेंसी पर्पज पे, एंड ये मज़े लो जो कि काफ़ी टेस्टी लगता है, हमको वाला चॉकलेट ले लिए। चॉकलेट स्कूल जाएंगे हम, बताइए कॉलेज जाएंगे तो ये एक आखो रख लेंगे बैग में। ये एक मीठा वाला बन और एक साथ ही में है नमकीन वाला बन, ये बड़ा बढ़िया लगता है, मतलब पिज्जा वाला फ्लेवर आता है। एंड इसके साथ ही में हम लिए हैं कुछ इयरिंग, जिसमें ये सबसे पहले बहुत प्यारा लग रहा है ना ये वाला, एंड इसके साथ ही में लिए हैं ये पत्ता वाला इयरिंग जो हम लिए थे ना उस दिन 20 रुपये में वो, तो ये दो इसलिए क्योंकि मेरी एक फ्रेंड मंगवाई है, एक ये लिए है और एक ये बटरफ्लाई वाला लिए, काफी प्यारा प्यारा। तो ये था मेरा आज का शॉपिंग, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से सीधा कल सुबह 8:30 बजे एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। और आज का डिनर का कोई प्लान नहीं है क्योंकि कुछ नहीं बना रहे, थक गए हैं बहुत ज्यादा, यही बन वगैरह खा के हम सो जाएंगे। और टाइम भी हो ही चुका है 8:30 बज के, अभी दादी से बात हुआ, मम्मी से बात हुआ, तो रास्ते में भी कुछ हम शूट नहीं कर पाए। मिलते हैं, इयरिंग बहुत क्यूट क्यूट सा मिला, कितना क्यूट, हमको लगता है कि हम कोलकाता में ना बस इयरिंग ही जमा करते रह जाएंगे, बहुत प्यारा प्यारा मिलता है यार, देखो कितना क्यूट सा है। ये है 30 रुपये का एंड ये है 20-20 रुपये करके, ये बटरफ्लाई इधर से। तो चलो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, ओके बाय, ध्यान रखना अपना। तो वीडियो में कुछ दिखाने से पहले हम एक बात कहना चाहेंगे अपनी माता श्री को कि सॉरी मम्मी, तो वीडियो देखने के बाद गुस्सा होगी, प्लीज मत गुस्साना, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा था लेने का और हम पिछले बार लेके छोड़ दिए थे, लेकिन इस बार मेरा मन कर गया तो हम ले लिए। तो प्लीज कॉल करके हमको मत डांटना, चप्पल बहुत सुंदर लग रहा था मेरे मुंह पे, मतलब मेरे पैर पे, तो मार सकते हो वैसे मिलके हमको मेरे मुंह पे। इतना ही था आज के वीडियो के लिए, अब मिलते हैं फिर से कल सुबह 8:30 बजे एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखना, कुर्ती डिजाइन कर रहे देख रहे हो तो पता नहीं चलेगा, तो चलो मिलते हैं, ओके बाय।